कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की खेप हरियाणा को मिल गई है। खुद से मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन रिसीव की जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की है। सीएम ने ट्वीट के जरिए बताया कि 2,415,000 कोरोना वैक्सीन की खेप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रिसीव की गई। वहीं 20,000 वैक्सीन की डोज सड़क के जरिए प्रदेश के वेयर हाउस में पहुंचा दी गई है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी खेप को लेकर के इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की थी। दो तस्वीरें कुरुक्षेत्र और करनाल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहली खेप जब पहुंची थी तो उसका नजारा क्या था, उसकी तस्वीर क्या थी और उसकी अनुभूति क्या थी, क्योंकि ये एक महान लम्हा होगा 16 जनवरी को जब ये वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जिसका इंतजार काफी लंबे से किया जा रहा था। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है। राज वर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राज वर्मा, आज गुरुग्राम के लिए काफी ज्यादा खास दिन, क्योंकि आज एक खेप पहुंच रही है इस वैक्सीन को लेकर के, क्या कुछ जानकारी, स्टोरेज की किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए कई दिनों से इंतजार था गुरुग्राम के लोगों को भी, क्योंकि देश के कई हिस्सों में पहले ही कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है और आज करीब 12 से 1 बजे के बीच गुरुग्राम में भी कोरोना वैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि 16 जनवरी से देश भर में जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर थे उन्हें जो टीकाकरण है कोरोना वैक्सीन का वो शुरू होना है। और गुरुग्राम के पटौदी में व्यवस्था की गई है, जहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर जो बनाया गया है, तमाम तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा जहां जहां जो पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां से टीकाकरण होना है वैक्सीन का, तो वहां की जो तैयारियां पहले से जिला प्रशासन और विभाग ने कर ली थी, तो अब 12 से 1 बजे जब वैक्सीन पहुंचेगी तो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और स्टोरेज के बाद आगे फिर किस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो पहले से उसका एक डेमो रिहर्सल भी कर चुका है स्वास्थ्य विभाग। और क्योंकि परसों 16 तारीख से ही वैक्सीन के लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राज वर्मा तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। 15 जनवरी से प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे अभय चौटाला, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में रैली निकालेंगे अभय चौटाला, तो अंबाला से ये ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे और ट्रैक्टर रैली की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और किसानों के आंदोलन के समर्थन में ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इससे पहले किसान भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम बात विपक्ष की करें, इनेलो की करें, तो इनेलो से अभय चौटाला ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे। अंबाला से इस ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी 21 जनवरी को, दक्षिण हरियाणा में अभय की ये ट्रैक्टर रैली पहुंचेगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।